बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जानते हैं इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो कैपेसिटर है वो भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, वो भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर करता है इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल उसी तरह इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। नो वी आर टू डिराइव रिलेशन विच शोज दैट वाकई जो एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। तो इस पर्पज़ के लिए लेट अस कंसीडर अ सर्किट इन विच वी हैव अ रेजिस्टर। ये रेजिस्टर है आर, एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस कोई ना कोई उसकी वैल्यू है सपोज एल, और यहाँ पे हमने कोई बैटरी कनेक्ट की हुई है और बैटरी की ईएमएफ है सपोज ई। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। अब इसमें करंट कन्वेंशनल फ्लो कर रहा है, ये है इसकी ईएमएफ ई, ये है रेजिस्टर आर, ये है इंडक्टर एल। एक आर एल सीरीज सर्किट तकरीबन बन गया। अब जैसे ही करंट फ्लो कर रहा होगा तो सपोज यहाँ पे कुछ स्विच भी लगा हुआ है, अभी स्विच जो है वो ओपन है, करंट जीरो है, करंट जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं है, ईएमएफ नहीं है, तो एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी। अब जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे करंट जीरो से राइज करेगा, जैसे करंट जीरो से राइज करेगा यूँ करंट बढ़ना शुरू, इसमें करंट चेंज होगा, उस वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी और इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। हमने अब वो एनर्जी का रिलेशन जो है वो ड्राइव करना है। इसके लिए क्योंकि ये आर और एल सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम रहता होता है, ये भी पता है, करंट सेम रहता है, वो पोटेंशियल डिवाइड होता है। अब जो पोटेंशियल यहाँ पे डिवाइड होगा, इसके क्रॉस होगा, उसको हम कहेंगे वी आर, पोटेंशियल क्रॉस रजिस्टर वी आर, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। उसी तरह यहाँ भी पोटेंशियल जो होगा इसको लिखेंगे वी एल, वी एल, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव, और ये वी एल, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर वी एल। वी आर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड वी एल इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। तो नो बाय किर्चॉफ वोल्टेज रूल, हम जानते हैं केवीएल सेकंड रूल किर्चॉफ का, बाय केवीएल किर्चॉफ वोल्टेज लॉ, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास एक लूप है, इसके अंदर तमाम पोटेंशियल चेंजेस का सम जीरो होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सपोज यहाँ से, जैसे गए हम नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ, पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव, किर्चॉफ रूल के मुताबिक। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाते तो नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये पोटेंशियल चेंज यहाँ पे पॉजिटिव ई, फिर उसके बाद आगे अब ये टर्मिनल पॉजिटिव और पॉजिटिव कनेक्टेड है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे, ऐसे ये हो जाएगा नेगेटिव माइनस वी आर। इसी तरह आगे गए यहाँ से, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, तो फिर माइनस वी एल इज इक्वल टू जीरो, यह है किर्चॉफ वोल्टेज रूल। अब इसमें ई इज ई माइनस वी इज को आई आर, ओहम्स लॉ आई आर माइनस वी एल क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। ये होगा एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को उधर ले जाए, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आई, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दो ई आई। अच्छा उससे पहले देखिए ये जो ई एम एफ है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ ई एम एफ है, आई आर पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द रेजिस्टर है, और एल डी आई वाली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर है। पोटेंशियल जो होता है ना वो एनर्जी होती है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये जो ईएमएफ है ना ये एनर्जी सप्लाइड है, सप्लाइड बाय बैटरी, ये एनर्जी सप्लाइड है, और ये जो आई आर है ये एनर्जी डिसिपेटेड है। पोटेंशियल ही है लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर, और ये जो एल डी आई बाई डी ये भी पोटेंशियल है, ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिवेल्प्ड अक्रॉस द या स्टोर्ड इन द इंडक्टर है, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी डिसिपेट नहीं करता, ये एनर्जी स्टोर करता है, ये एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट चार्ज। सो ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगी। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो आई से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई आई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आई, तो हमें क्या मिला ई आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस एल आई डी आई बाई डी टी। इस इक्वेशन में गौर कीजिएगा, ई आई दिस इज द पावर, दिस इज द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। हम पढ़ चुके हैं पी इज इक्वल वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई, तो पी इज इक्वल वी की बजाय यहाँ पे ई एम एफ लिख रहा हूँ ई एम। तो फिर ये क्या हुआ, ये पावर है, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, ये पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, ये भी पावर है डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर, और ये क्या पावर डिवेल्प्ड अक्रॉस द इंडक्टर, इसको कहते हैं मैग्नेटिक पावर, ये मैग्नेटिक पावर, ये पावर डिसिपेटेड पावर होगी, ये पावर सप्लाइड होगी पी एस पावर सप्लाइड, पी डी पावर डिसिपेटेड, पी एम मैग्नेटिक पावर। तो वी आर कंसर्न विद दिस वन, इसलिए मैं ये ले लेता हूँ। तो ये क्या बना हमारे पास, मैग्नेटिक पावर पी एम इज इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी, दिस इज द मैग्नेटिक पावर डिवेल्प्ड अक्रॉस द इंडक्टर। अब पी क्या होती है, पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज पर यूनिट टाइम। तो डी यू ये है एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट टाइम, डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये पावर को हमें डी यू बाई डी टी लिखते हैं क्योंकि हमें पता है पी इज इक्वल डब्ल्यू बाई टी होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पे वर्क को हमने एनर्जी डी यू कहा है ओवर डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, वी गेट डी यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा, इंटीग्रल डी यू ये मैग्नेटिक पावर है इज इक्वल टू एल इंटीग्रल आई डी आई, ये क्या बनेगा यू एम इज इक्वल टू एल आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई टू, तो ये बन जाएगी यू एम इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। बट हमने कहा था एनर्जी स्टोर्स इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो हम एक ऐसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाए, बी की वैल्यू भी आ जाए। उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, उसके लिए अब इसमें जो एल की वैल्यू है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, और आई ये हम जानते हैं बाय एम्पियर्स लॉ, बाय Ampere's law, B is equal to mu naught N I होता है, B is equal to mu naught N I, यहाँ से I is equal to B over mu naught N, ये I की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह L is equal to mu naught N square A L, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, B is equal to mu naught N square A L, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। We get U N is equal to 1/2 mu naught N square A L into B square over mu naught square N square, क्योंकि I का square है तो हम I का square ले लेंगे, B square over mu naught square N square। अब N square से N square कैंसिल हो गया, mu naught से ये square कैंसिल हो गया, एक रह गया mu naught, तो U M is equal to 1/2 B square over mu naught A L। ये जो A L है, area into length, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। ये आ गया हमारे पास 1/2 b स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम में जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास um एनर्जी ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 b स्क्वायर ओवर म्यू नॉट, बी स्क्वायर ओवर, इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। This is the energy stored in the magnetic field in the form of magnetic field, this is the energy stored in inductor in the form of magnetic field। आप देख सकते हैं कि एनर्जी अब दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड